नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि प्राइवेट पार्ट्स की जो स्किन है वो डार्क क्यों होती है। देखिए कि प्राइवेट पार्ट्स की स्किन डार्क होना ये एकदम नेचुरल है। अब क्यों होती है, तो उसका कारण एक हो सकता है कि जब हम प्यूबर्टी में आते हैं, यौवनावस्था में आते हैं, तब हार्मोनल चेंजेस काफ़ी होते हैं, और वो हार्मोनल चेंजेस जो है वो हार्मोनल चेंजेस अपनी स्किन डार्क करते हैं। फिर लोग पूछते क्या इसको ब्लीचिंग करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ब्लीचिंग से कोई फ़ायदा होता नहीं है। हो सकता है कि ब्लीचिंग से इरिटेशन हो जाएगा और कोई एलर्जिक रिएक्शन आ जाएंगे और प्रॉब्लम हो जाएगा। ये एजिंग की वजह से, मतलब बुढ़ापा आने की वजह से भी डार्क हो सकती है, प्रेगनेंसी में डार्क हो सकती है, या सेक्सुअल एक्टिविटी के समय भी अधिक डार्क हो सकती है। इसमें कोई ब्लीचिंग करना नहीं है, ब्लीचिंग बिल्कुल ही अवॉइड करने का है, किसने कितना भी बोला तभी। फिर लोग बोलते हैं कि पॉन परफॉर्मेंस जो है वो पॉन में इतनी ज़्यादा डार्क दिखती नहीं है। तो देखो, उनका तो परफॉर्मेंस है, उनको उसमें से पैसे मिलते हैं, तो फिर वो उसमें ब्लीचिंग करेंगे, प्लास्टिक सर्जरी करेंगे, लेज़र हेयर रिमूवल करेंगे, या स्किन लाइटिंग करेंगे, जो भी है एनल ब्लीचिंग करेंगे, ताकि उनके जो प्राइवेट पार्ट्स है वो इतने डार्क ना दिखे। तो ये सब प्राइवेट पार्ट्स का जो डार्कनेस है वो एक नॉर्मल चीज़ है। इसके ब्लीचिंग करने में या कोई थेरेपी या ट्रीटमेंट करने में कोई ज़्यादा बेनिफिट है नहीं। यह नॉर्मल है, और यह नॉर्मल है करके ज़्यादा लोड टेंशन लेने का नहीं है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केळकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।